हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो पिछले वाले जो वीडियो अपलोड किए थे है ना, उसमें आपको कोई अगर डाउट हो तो मेरे जो डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, आप उससे कांटेक्ट होकर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और टुडे आज का टॉपिक है हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस स्टडी कर चुके थे, और कुछ मैंने आपसे एक बोला भी था सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे गैस और सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, लिक्विड और सॉलिड है तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। मैंने आपसे इसमें बोले भी थे कि ये लिक्विड और सॉलिड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सॉल्यूट और ये हमारा सॉल्वेंट। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूट जो कम अमाउंट, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट। तो इसमें आपसे मैं पूछूँ कि सॉल्वेंट कौन है, तो आप बताएंगे अमलगम और मर्क्यूरी सोडियम, तो सोडियम है। इससे क्वेश्चन से एक देख लेते हैं, और मैंने आपसे एक बेसिक बात भी कर रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनते हैं। उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए सॉल्वेंट है 70 ग्राम, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो फाइंड सॉल्यूट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशंस, और सॉल्यूट यहाँ से निकाल लेंगे 100 माइनस 70 और 30 ग्राम, है ना। फिर एक क्वेश्चन उसी पर अभी जो मैंने बात किया, इन अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी सोडियम, तो सॉल्वेंट इस क्या है मर्क्यूरी सोडियम सोडियम। अब हम बात करेंगे जो पिछले क्लास में लेक्चर में जो हम बात कर चुके थे कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस क्या है, वो क्या हमें बताते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट कितने अमाउंट में है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक गिलास आप पानी ले, उसमें चीनी डाल दी, चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, तो उस जो सॉल्यूशंस में वाटर कितने हैं और सॉल्यू चीनी कितने हैं, तो आप कैसे क्लेरिफाई करेंगे। तो उससे हम रिलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, जो कि आपको एक्सप्रेस करते हैं, देखिए टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रजेंट इन सॉल्यूशंस। तो मास परसेंटेज, देखिए W/W रिप्रेजेंट करते, मास परसेंटेज हम कैसे बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिए, मान लेते हैं सॉल्यूशन इसमें ए प्रजेंट है और इसमें बी, आपसे बोलेगा ए का मास मान लेते हैं कुछ भी होगा 10 ग्राम, बी का होगा 20 ग्राम, तो बोलेगा कि इस सॉल्यूशन में ए का जो मास परसेंटेज कितना है, फिर बी का मास परसेंटेज कितना है। अगर मान लेते हैं ए है तो एक कॉम्पोनेंट हो, अगर इस जिस जिस कॉम्पोनेंट का अगर मास परसेंटेज निकालना है उसका ऊपर मास बाई टोटल, टोटल करने का मतलब ए एंड बी, और परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ कॉम्पोनेंट क्या है, तो मास ऑफ द कॉम्पोनेंट इन सॉल्यूशन बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर ए का हमें मास निकालना है परसेंटेज, तो ए का मास अब बाई ए प्लस बी टोटल मास इंटू 100, ऐसे हम बात करेंगे आप। देखिए वही लिखा हुआ था मास परसेंटेज ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज, तो एक बेसिक यानी फिर से मैं बहुत बात कर रहा हूँ, अगर जिस कॉम्पोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसका मास बाई टोटल मास। एक एग्जाम्पल समझते हैं आपको जो क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर ए एंड बी दिया हुआ है, ए है 5 ग्राम और बी है 10 ग्राम। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ ए निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ ए, तो हमने क्या बात किया, जिसका अगर मास निकालना है परसेंटेज उसका मास बाई टोटल, तो टोटल मास क्या हो गया, ए और बी को ऐड कर देंगे 5 और 10 15। अगर ए का मास निकालना है, देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ ऊपर 5 है ना, 5 और वाई 5 प्लस 10, ये वाई 15। अब परसेंटेज निकालना है तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, तो बी का यहाँ मास कितना है, देखिए 10 और 10 बाई ये है ना, और इसमें परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका काम हो गया। तो ये ध्यान देना है यहाँ पर, यानी जिस कॉम, और इसी में एक क्वेश्चन है आपको NCERT, देखिए कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का मास परसेंटेज यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, बेंजीन का मास परसेंट, तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में बेंजीन कितने हैं 22 और कार्बन टेट्राक्लोराइड 122, बेंजीन का पूछा गया तो ऊपर बेंजीन, अब बाई देखिए टोटल, और फिर यहाँ क्या करेंगे इंटू आप 100 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर, जो मास परसेंटेज ऑफ
आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे तो इसमें क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास देखिए कितने हैं, 122, तो 122 अब बाई टोटल। अब फिर इसमें भी क्या करेंगे, 100 से जो आंसर आएगा ये, यानी जिसका मास निकालना है, अगर ये जिसका निकालना है उसको ऊपर बाई टोटल फिर 100 से मिले। उसी तरह आप वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, उसमें मास हम बात कर रहे थे जैसे ग्राम, वॉल्यूम बात करेंगे एम एल, बस सेम। अगर जिसका वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना होगा, जिसका हम वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो उसमें भी हम काम क्या करेंगे, सेम एज देखिए हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे थे, अगर जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम और बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम है। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट गिवन वॉल्यूम ऑफ द गिवन कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। बस जैसे यहाँ एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे ए एंड बी की बात कर रहा है ये 10 ml और 5 ml, अगर ए का हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए पूछे तो आप क्या करेंगे, ए का 10/15 और इनटू क्या करेंगे यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई, फिर वॉल्यूम ऑफ बी पूछेगा तो बी ऑफ 5 मल्टीप्लाई, सेम एज आपको इसमें ज़्यादा जो एफर्ट नहीं लगाना है, जिसका मास परसेंटेज या वॉल्यूम उस कंपोनेंट का ऊपर बाई टोटल। तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना मैंने क्या इसमें आपको ये सब क्लैरिटी आ गई क्वेश्चंस में, यहाँ पर आपको बेंजीन का दिया वो आर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये आपको एक बहुत ईजी में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, तब तक के लिए आप इसको रीड कीजिए और बुक से आप पढ़ें, या 11th में भी आप पढ़ें जिसको एक बार पढ़ किया है, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।